आगे बढ़ेंगे आज की एक और बड़ी खबर, ये वोट जिहाद वाकई होता है क्या? वोट जिहाद मतलब बीजेपी बार बार कह रही है वोट जिहाद वोट जिहाद, क्या वाकई बीजेपी का दावा सही है जिसमें वो कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके खिलाफ वोट जिहाद हुआ था? क्या दावा सही है? क्या निवडणुकीतला जो वोट जिहाद है हिंदू मुसलमान पर कर रहे हैं, बात नफरत की कर रहे हैं, इसीलिए कभी कभी राहुल गांधी जी कहते हैं कि नफरत के बाजार लगाने वालों के बीच में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं। अल्पसंख्यक समाजाला पण सांगतोय, राज्यात जेवढ्या जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला महायुतीमध्ये मिळणार आहे त्याच्यातल्या 10% जागा मी मायनॉरिटीला देण्याचं काम करणार आहे। एक प्रकार से महायुति में नूरा कुश्ती चल रही है, हम कुछ कहेंगे तो तुम कुछ कहोगे। उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने मिलकर मुस्लिमों को भड़काया, धर्म के नाम से वोट मांगे। गुजरात के लोग देते हैं बीजेपी को वोट, ऐसा हमको पता चला, तो आप उनको क्या कहेंगे? गुजरातियों का वोट जिहाद कहेंगे? ये सब उनके दिमाग का कचरा है। देखिए वोट जिहाद मतलब याद होगा इसका सबसे पहले जिक्र आया था सलमान खुर्शीद जी की भतीजी मरियम आलम खान जी ने किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय के सामने मौजूदा हालात में वोट जिहाद जरूरी है। सलमान खुर्शीद की भतीजी, सबसे पहले उन्होंने इनका जिक्र किया। हर महिला हर पुरुष जो है वोट जिहाद की जंग से लड़ेगा, मोदी को हराने के लिए वोट जिहाद, ये सलमान खुर्शीद की भतीजी ने सबसे पहले कहा। फिर बीजेपी ने आंकड़ों के जरिए समझाया साहब कि बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ देश में कई जगह वोट जिहाद हुआ, मतलब जो बीजेपी को हराए उसको वोट दे दो। बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने संगठित होकर एकजुट होकर विपक्षी उम्मीदवारों को वोट किया, जिससे बीजेपी ने वोट जिहाद का नाम दिया। आज क्यों चर्चा हो रही है आप ये जानना चाहेंगे ना। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इन सब के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 14 सीटों पर वोट जिहाद हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने कहा 14 सीटों पर हम वोट जिहाद की वजह से हारे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि इन सीटों पर एक विशेष समुदाय के लोगों ने हिंदुत्व उम्मीदवारों को हराने के लिए सामूहिक रूप से मतदान किया। देवेंद्र फडणवीस, 14 में वोट जिहाद हुआ 14 सीटों पर। अब फडणवीस के इसी बयान पर संजय राउत भड़क गए, मतलब शिवसेना उद्धव गुट के नेता है संजय राउत, उल्टा फडणवीस से पूछ लिया बताइए क्या होता है वोट जिहाद? इस देश का नागरिक मुसलमान जैन हिंदू पारसी सभी वोट करते हैं, अगर वो आपको वोट करते हैं तो चलता है, वोट जिहाद की बात है तो फिर आप मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का कानून क्यों लाए? ये मैंने पूछ रहा हूं, संजय राउत ने पूछा। यहां तक तो सब ठीक था, संजय राउत ने तो फडणवीस पर ऐसे बयानों से देश को तोड़ने तक का आरोप लगा दिया। सुनाते हैं आपको। या निवडणुकीतला जो वोट जिहाद है 48 पैकी जवळजवळ 14 लोकसभा मतदार संघामध्ये अशा जिहादी पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला मतदान होताना दिसलाय। क्या होता है वोट जिहाद मुझे बताइए। इस देश में इस देश का नागरिक है, मुसलमान है, जैन है, पारसी है, हाँ हिंदू है, अगर इस देश के नागरिक है और वो वोट करते हैं, अगर आपको वोट करता है तो चलता है क्या? अगर ये वोट जिहाद की बात है तो आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का कानून क्यों लाया भाई? अच्छा मामले में ट्विस्ट क्या आ गया, देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान के बीच ही महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के दूसरे डिप्टी सीएम ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया। अजीत पवार जी ने कहा कि चुनाव में उनके हिस्से में आने वाली सीटों के 10% पर वो अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे। अजीत पवार के इस बयान के बाद विपक्षी दलों को बीजेपी और उनके सहयोगियों पर हमले करने का मौका मिल गया। कहने लगे फडणवीस वोट जिहाद की बात कर रहे हैं और उनके सहयोगी अजीत पवार 10% उम्मीदवार बनाने की बात कर रहे हैं मुस्लिम समाज से। बीजेपी ने तो किरीट सोमैया ने तो मतलब आपसी खटपट का जवाब दे ही दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। या वेळेस निवडणुकीच्या निमित्तानं मी माझ्या अल्पसंख्याक समाजाला पण सांगतोय, राज्यात जेवढ्या जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला महायुतीमध्ये मिळणार आहे त्याच्यातल्या 10% जागा मी
माइनॉरिटीला देण्याचं काम करणार आहेत. मुसलमान हो और चाहे हिंदू हो, सिख हो चाहे ईसाई हो, जो भी भारत का नागरिक है, महाराष्ट्र राज्य का नागरिक है, वोटर है, मतदाता है, वो मतदान करता है, अपनी पसंदीदा पार्टी को चुनता है, जो पार्टी पसंद नहीं होती उसे हराने का काम करता है. इसमें विचलित होने का क्या कारण है? आप नारा तो देते हो सबका साथ सबका विकास, कहीं ना कहीं आपसे कमी रह गई है. आप किसी का साथ नहीं दे रहे हो, किसी का विकास नहीं कर रहे हो. कोई भी पार्टी हो या कोई भी उम्मीदवार हो, वो अगर लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद या मुस्लिम अपीजमेंट, इस प्रकार का कोई भी विषय होगा, तो हम वो किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो उसको खिलाफ आवाज उठाएंगे. अच्छा देखिए, होता है वोट जिहाद, नहीं होता है हमें नहीं पता, दावे हैं नेताओं के. लेकिन ना कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं जो किरीट सोमैया ने जारी किए थे. और ये आंकड़े क्या हैं, ये फुल स्क्रीन पर हम, अच्छा चलिए इसको फुल स्क्रीन पर रख दीजिए एक बार ताकि लोग समझ पाए. महाराष्ट्र की धुले लोकसभा सीट की सभी विधानसभा सीटों पर खड़े वोट का आंकड़ा जो है वो इसमें जारी किया गया, जिसमें 6 विधानसभा सीट वाली इस लोकसभा सीट की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवार से आगे रही थी, ठीक. और लेकिन एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस को एक तरफा इतना वोट मिल गया. अच्छा देखिए, अब आप बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी आगे, फिर बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी आगे, फिर बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी आगे, फिर बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी आगे, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी आगे, वो 93 और वो 80, मतलब 7 में से 6 में बीजेपी आगे. सबसे नीचे मालेगांव सेंट्रल में मतलब 2 लाख के आसपास कांग्रेस को वोट पड़ गया और वहां बीजेपी रह गई 4,500. पूरा खेल पलट गया. यही बताया जा रहा है, यही होता है वोट जात. मतलब ये बीजेपी दावा करती है कि देखिए 7 विधानसभाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 में से 6 विधानसभाओं में बीजेपी, 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 बीजेपी. मालेगांव सेंट्रल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 2 लाख के करीब वोट पड़ गए कांग्रेस को और वहां पड़ गए 4,500. तो यही होता है वोट जिहाद, बकौल बीजेपी. बीजेपी कह रही है फिर हम 3,000 मतलब 3831 वोटों से, 3831 वोटों से हार गई. इसी तरह मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट की मान खुद विधानसभा के कुछ बूथों का भी आंकड़ा जारी किया गया, इसमें बीजेपी उम्मीदवार दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका. यही वजह रही कि 12 बूथ पर बीजेपी उम्मीदवारों को 68 वोट मिले. देखिए आप वो जो आप देख भी पा रहे होंगे सिंगल नंबर जो है ना, सिंगल नंबर वो कोने में आप देखिए 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जो वोट हैं, ठीक. और बीच में देख रहे हैं शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे, आप देखिए 422, 440, 366, 800, 900 सब वो. उधर देखिए आप वो बीजेपी की तरफ वोट देखिए 2, 4, 6, 7, 8, 7, 8, 4. तो बीजेपी कह रही है यही होता है वोट जिहाद. अब होता है नहीं होता है हमें नहीं पता, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी साबित करने की कोशिश कर रही है कि यही दरअसल वोट जिहाद होता है.